हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, मैं सिविल इंजीनियर्स प्रोफेशनल आरआईसीएस सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेयर अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लेन टेबल सर्वे में एरर्स की जो है डिस्कशन करने से पहले हम एक बार प्लेन टेबल सर्वे को रिवाइज कर लेते कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है। फ्रेंड्स, इट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे इन विच साइड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग विल प्रोसीड साइमल्टेनियसली। मतलब कि साइड पे ऑब्जर्वेशन लेना और उसको प्लॉट करना पेपर के ऊपर, उसको कहते हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो फ्रेंड्स, प्लेन टेबल सर्वे के अंदर हमारे तीन टाइप के एरर होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड इज प्लॉटिंग एरर और थर्ड इज मैनिपुलेशन एंड साइडनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, फर्स्ट है एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है एरर इन प्लॉटिंग, थर्ड इज एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटनिंग। इनको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स एरर इन प्लेन टेबल सर्वे, एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वे। तो फ्रेंड्स, पहला हमने क्या डिस्कस किया? इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड इज एरर इन प्लॉटिंग एंड थर्ड इज एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं फ्रेंड्स? इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं फ्रेंड्स जो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होते हैं। मतलब कि अगर आपका जो है ट्राइपॉड सही नहीं है, जिसके ऊपर हमने टेबल को रखा हुआ है, आपका टेबल सही नहीं है, एलिवेट सही नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्लम फॉक सही नहीं है, प्लम बॉब सही नहीं है, तो उनके वजह से जो एरर आएंगे दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके बाद फ्रेंड्स एरर इन प्लॉटिंग। एरर इन प्लॉटिंग मतलब कि जब हम साइड पे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और वो ऑब्जर्वेशन लेते हुए हमने ले तो लिया सही ऑब्जर्वेशन, बट उसको जब हम प्लॉट कर रहे हैं, ड्राइंग पे स्केच कर रहे हैं, बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें हमारे एरर्स आ रहे हैं। मतलब कि एरर्स इन प्लॉटिंग जब हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें एरर्स आ रहे हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटनिंग। इनको फर्दर जो है फ्रेंड्स इनको कैटेगराइज किया जो है फ्रेंड्स नॉन हॉरिजॉन्टली non-horizontality of board। उसके बाद B आता है defective in siding। C आता है defective orientation। D डिफेक्ट मूवमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन साइटिंग। उसके बाद ई आता है सेंटरिंग। अब ये क्या होती है फ्रेंड्स? नॉन हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ बोर्ड मतलब आपका जो बोर्ड है फ्रेंड वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसमें एरर्स हैं। That is called non-horizontality of board। मतलब जो आप पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट, जो भी आप रीडिंग्स ले रहे हैं जो भी पॉइंट को देखते हुए, वो आपका horizontality में नहीं है। तो due to that we got some errors। Due to sighting, defective in sighting मतलब कि आपकी नजरों में जो आप रीडिंग ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं आप प्रॉब्लम्स, वो sighting जो है वो सही नहीं आ रही है, चाहे वो मिराज की वजह से हो, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, एक्सटर्नल क्लाइमेट की वजह से हो, डिफेक्टिव इन साइटिंग देखने में दिक्कत आने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है, जो एरर्स आते हैं, ड्यू टू दैट दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव इन साइटिंग। डिफेक्टिव ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब जो हम कंपास को रखते हैं फ्रेंड्स उस ओरिएंटेशन को हम प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से वी गॉट सम एरर्स, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव इन ओरिएंटेशन। मूवमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन साइटिंग, जो फाइटिंग मतलब कि मूवमेंट ऑफ बोर्ड मतलब
जब हम मूवमेंट की वजह से, जो हमारा मूवमेंट है फ्रेंड्स, वो हमारा टेबल है वो मूवमेंट कर रहा है और उसकी वजह से हम लोग जो है हमारा ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम्स आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट सम एरर्स इन अवर साइटिंग, हम उसकी वजह से हमारे जो है रीडिंग्स वगैरह में गड़बड़ आ सकते हैं। डिफेक्टिव इनएक्यूरेट सेंटरिंग, जो हमारा सेंटरिंग है फ्रेंड्स, जो हमने सेंटरिंग किया अपने इंस्ट्रूमेंट की वो प्रॉपर ना होने के कारण वी गॉट सम एरर्स, दोज आर कॉल्ड डिफेक्टिव इनएक्यूरेट सेंटरिंग। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किए हैं एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वे। टाइप्स ऑफ एरर्स आर इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर इन प्लॉटिंग ड्यू टू एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेटिंग एंड साइटिंग, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होना, एरर इन प्लॉटिंग जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें एरर आना, और एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था प्लेन टेबल सर्वे के ऊपर, होप सो यू गाइस लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम छोटे छोटे पर नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, बिकॉज इस चैनल के ऊपर फ्रेंड्स केवल होती है काम की बात, नो बकवास। और फ्रेंड्स अगर आप उत्तराखंड में हमारी ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वेयर वी हैव इन हाउस होस्टल फैसिलिटी, फ्रेंड्स हमारी उत्तराखंड के अंदर लोएस्ट कोर्स फीस रहने वाली है ऑल इंडिया के अंदर, होस्टल फैसिलिटी होगी दैट इज ऑल्सो वेरी चीप देयर। और आप हमारे यहाँ से जो सॉफ्टवेयर कोर्सेज, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज हैं, वो आप परस्यू कर सकते हैं विथ लोएस्ट फीस, 100% जॉब असिस्टेंस एंड ऑल आर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।